देखे तो सही इन सालिमों को। नहीं छोड़ूंगा। जाल पर जाल बिछा रहे हैं, जो कि हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। हम हरगिज नहीं हटेंगे पीछे। हर कोई होशियार रहे। ये जाल लगाए हुए ज्यादा वक्त नहीं गुजरा हुजूर, हम करीब हैं। हाँ ऐसा ही है, हम उनके करीब हैं, उनकी सांसों से भी ज्यादा। रुको, एहतियात से काम लेना पड़ेगा। ठीक है हुजूर। आ जाओ। आसानी से नहीं भाग सकते। वजीर आलम शाह ने खबरदार किया था कि ये कुछ भी कर सकते हैं। वो सही थे। जो शख्स राह रास्त पर ना हो, इसकी बात सच निकले तो क्या फायदा। हम एलाए कलिमतुल्लाह की खातिर लड़ते हैं। तुम लोगों का क्या मकसद है? क्या मकसद होगा भाई, वजीर के गुलाम हैं सब। तो फिर तुम हमें बागी ही समझो। हम पीछे नहीं हटेंगे। जब तक तुम लोग इस पिंजरे में हो, तब तक कुछ भी नहीं कर सकते। चलो अब फिर से सो जाओ। इंशाल्लाह हम इसे निजात हासिल कर लेंगे। यानी निकोला मेरे साथ दोबारा इत्तेहाद करना चाहता है। तैकफूर निकोला ताकत का साथ देना चाहते हैं। नहीं, बिल्कुल ऐसा हरगिज नहीं है। जिसका गड़ा उसके सामने खुद रहा हो, वो हमारा साथ ही पसंद करेगा। अपने सामने ना देखने वाले के लिए बहुत खतरनाक गड़े होते हैं। तैकफूर निकोला का साथ आपको बहुत मजबूत बना देगा। गौर से सोचे इस मामले पर। करते हैं सोचो विचार। निकोला के साथ जरूरत नहीं है ताद की हमको। गोनूर, तुम बाहर जाओ। कोनूर, अब उस्मान के पास जाकर बताओ उसे कि मैं निकोला का दुश्मन हूं। कोनूर, आपका शक दुरुस्त है वजीर आलम शाह। कोहनूर ने पहले अपने सिपाहियों से छुटकारा पाया और फिर उस्मान के साथ मिलकर लड़ा। उसकी वफादारी उस्मान के साथ है। मुझे उसका सर काटकर कोनिया भेजना होगा, मगर किसी बेहतर काम के लिए इस्तेमाल करूंगा मैं उसे। वो उस्मान से वफादारी जारी रखे। सांप निकला वो आस्तीन का और आकर कहता है उस्मान को नहीं ढूंढ सका मैं। हाँ ठीक है, देख लेंगे।
क्या मैं अंदर आ सकता हूँ हुजूर? आ जाओ। बुरी खबर है, वो खवातीन रास्ते से ही फरार हो गई जनाब। अरमान काया के सिपाहियों ने हम पर हमला किया। अरबाई, हुक्म करें जनाब। अपने साथ सिपाही लो और इस अहमक को भी, ताकि फरार होने वाला रास्ता बताइए। जर्रा जर्रा छान मारो, कोई जगह भी छूटनी नहीं पाए। और खवातीन को मेरे पास लाना। समझे कि काम हो गया, चलो आओ। आ जाओ, आओ, ये जगह ठीक है। आओ बेटी, आ जाओ, ये जगह मुनासिब है। बस हम पहुंच गए बाला, आराम से देख के आ जाओ। आराम से बैठो, शाबाश। सबर बाला, सबर, हौसला रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आराम से बाला, बस थोड़ा सबर और। हाँ बाला, थोड़ा वक्त रह गया है, गुजर जाएगा ये। सबर करो, बर्दाश्त करो बाला। ये लो, थोड़ा पानी पी लो बाला। ये लो बाला, थोड़ा पानी पी लो, पानी पी लो, थोड़ा पानी। मारी बेटी। जी अम्मा। गर्म पानी चाहिए, आग जलाने का इंतजाम करो, जाके लकड़ियां जमा करके लेके आओ, जल्दी से। हाँ ठीक। उस तरफ से जाओ, शाबाश, जल्दी। बलून सुनो, मैं कपड़े का इंतजाम करती हूँ, पकड़ो इसे। लाए दीजिए मुझे। रुको जरा। वालिदा, आपको क्या लगता है? बर्दाश्त तो कर लिया है इसने, लेकिन बहुत थक चुकी है, मुझे डर लग रहा है। हम बस दुआ कर सकते हैं कि माँ और बच्चे दोनों खैरियत से रहें। इंशाल्लाह वालिदा। जालू ने उस्मान को रोक लिया है। उस्मान को रोकने वाले जाल नहीं हैं, बल्कि खून से रंगे मेरे हाथ हैं। मिंग्यान जल्द मेरे हाथों मरेगा। चंगेज का जब इंतकाल हुआ था तो उसका कबीला उसे नापसंद करता था। चंगेज जिलावतन हुआ था, उसके रेवड़ और सामान पर कब्जा कर लिया गया था। और सबसे बड़ी बात, उसकी तलवार छीन ली गई। मीठे दरिया ने उसकी प्यास बुझाई और पहाड़ों के फल ने उसे ताकतवर बनाया। फिर उसने अपने दुश्मनों को जेर किया और खाक में मिलाया। हालात ने पाला है उसको और वक्त ने परवरिश की है उसकी। उसके पास घोड़ा नहीं था तो हिरन को रखा, तलवार नहीं थी तो पत्थर से काम लिया, कमान नहीं थी तो शाहों को झुकाया। लेकिन नहीं हारा, वो जिंदा रहा, सांस लेता रहा, सांस लेता रहा, और अपने सामने खड़े हुए की सांसें छीन ली। सिर्फ इतना ही नहीं, खून पीना और दुश्मनों के सरों को जमा करना चंगेज की तारीफों में से है। मेरे पास भी है मेरे पास। मैं जानता हूँ, जिंदा रहकर अपने दुश्मनों के लिए मौत साबित होऊंगा मैं। हुजूर, जख्म को दागने के लिए हमें आग जलानी होगी, वरना यह खराब हो सकता है। इस वक्त बहुत अंधेरा है, जगह रोशन होने से उन्हें पता चल जाएगा। ठीक है मेरे सरदार।
आग का कह कह कर बुला ही लिया तुमने बोरान। हुजूर अभी आ गए हैं तो इन्हें बता देते हैं कि हम हैं यहाँ पर, लेकिन अब हम इन्हें जलाएंगे। या हक। मेरा बच्चा। सुलझान अम्मा, मेरा बच्चा अम्मा, मेरा बच्चा रो क्यों नहीं रहा? बताएं ना, मेरा बच्चा रो क्यों नहीं रहा? वालिदा बताएं ना, बच्चे तो रोते हैं ना अम्मा, तो मेरा बच्चा क्यों नहीं रो रहा? वो ठीक है बाला, ऐसा क्या हो गया इसके साथ, बताएं ना। मलू, क्या करूं मैं? अम्मा कुछ कहे ना, बताएं। क्या करूं मैं? बताओ मुझे, मैं क्या करूं? नहीं नहीं अम्मा, बताएं, रो क्यों नहीं रहा मेरा बच्चा? ये रो क्यों नहीं रहा? आखिर मेरे बच्चे को क्या हो गया? ये रोता क्यों नहीं? मेरे बच्चे तो बताएं अम्मा, बताएं। नहीं अम्मा, मुझे बताएं। शाबाश मेरे बेटे, आगे करो, आगे करो मेरे बच्चे, शाबाश। या खुदाया, लाख लाख शुक्रिया तेरा। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा बहुत शुक्रिया, आपको बहुत बहुत मुबारक हो सुलझान अम्मा। मैं अपने बच्चे पे कुर्बान जाऊं भला। अल्लाह का शुक्र है, दे मेरे बच्चे को। ये लो संभालो। मेरा बच्चा, अल्लाह का शुक्र है, शुक्र है अल्लाह का। शुक्र है, लाख लाख शुक्र है, लाख लाख शुक्र अल्लाह तेरा, लाख लाख करो मैं। क्या आपने काराबाग में लड़ना इस तरह से सीखा है? शायद आप भूल गए हैं तुर्गुत साहब, वहां के लोग लड़ने में माहिर होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, याद रहे हम सब जालिमों के खिलाफ लड़ रहे हैं, यहां यही चीज हमें मुत्तहिद किए हुए है। चलो आ जाओ। जंगल का कोना कोना छान मारो, जल्दी करो, जाओ।
उस्मान, मैंने बहुत से गांव और शहर जलते देखे, और ज्यादातर मैंने ही जलाए हैं। बहुत से लोग, बहुत से गांव, बहुत से शहर, बहुत कुछ जलते देखा है मैंने। खुद मारा है मैंने, मारा है मैंने, मैंने, हाँ मैंने मारा है। अपने हाथों से सर कुचले हैं, बहुत सी तबाहियां देखी है मैंने। उन सब की मौत का सबब था मैं, और तुम और तुम्हारा कबीला भी बर्बाद होगा उस्मान, बर्बाद हो जाएगा। चंगेज खान के जलते हुए परिंदे की तरह तुम्हारे कबीले में आग लगा दूंगा, सब खत्म कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, नहीं छोड़ूंगा। ये जमीन भी आग उगलतेगी, दहकती आग में सब कुछ जल कर राख हो जाएगा। तुम्हारी नस्लों को दो गज कब्र तक भी नसीब नहीं होगी उस्मान। तुम्हारी औलाद को, तुम्हारी औरतों को, तुम्हारे लोगों को, सबको 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 मार डालूंगा मैं। उनका खून पानी की तरह बहेगा, उनका खून और मैं उस खून को मट्टी में मिलाकर एहले खान तक पहुंचा दूंगा। हाँ, एहले खान तक पहुंचाऊंगा। तारीख तुम्हें भूल जाएगी। हाथों आखिरी वक्त तक जिंदा रहेगा। आपका शुक्रिया अम्मा, बताइए क्या चाहिए। इस वक्त मुझे अपने बच्चे की सेहत के अलावा कोई चीज नहीं चाहिए बेटी। शुक्र है अल्लाह का, उसने हम सबको ये खूबसूरत दिन दिखाया। तुमने हमारे कबीले को ताकत और हमारी नस्ल को परवान चढ़ाने के लिए एक बेटा दिया। शुक्र है खुदा का। अब अरहान के पास शाना बशाना लड़ने को एक भाई है, देखो तो। अल्लाह रब्बुल इज्जत का जितना शुक्र किया जाए कम है। ओ मेरा बेटा, ये सब सच है ना अम्मा? मेरा बच्चा, तुम्हारे नसीब अच्छे होंगे इंशाल्लाह। आमीन आमीन। इसका नसीब अच्छा हो और उम्र बहुत लंबी हो इंशाल्लाह। दोनों भाई हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बेटी, इंशाल्लाह। ये तो एक मौजजा है। हाँ बेटी, अल्लाह ने हमें अपना ये मौजजा तोहफे के तौर पे अता किया। अब अगली बारी तुम्हारी है इंशाल्लाह।
कहाँ थे आप उस्मान? कहाँ रह गए थे? أشهد أن لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. الله اكبر سمع الله لمن حمده السلام عليكم ورحمة الله اے دونوں جہاں کے مالک میرے رب تیرا کروڑ ہا شکر ہے تیری حمد و ثنا ہے ہر سو ہم نے हमेशा तेरे ही दर से उम्मीदें लगाई हैं और हरगिज मायूस नहीं लौटे या रब्बी तू अपने नूर से तारीकियों को रोशन करता है या रब्बी तेरी रहमत हम पे हमेशा बरसती रहती है तू चाहे तो शिफा भी होती है या रब्बी तेरा नाम और दीन की सरबुलंदी के मकसद लिए इस्लाम का झंडा पूरे जहां के कोने कोने तक पहुंचाएंगे ताकत अता फरमा तू हमें आमीन आमीन ए मेरे अल्लाह तू हमारा रास्ता आसान कर रास्तों से मुसीबतों को हटा मेरे अल्लाह आमीन आमीन Thank you.
अंबाला, मेरा बच्चा, यार बे, मेरे ख्वाबों को भी तू जानता है, उनकी ताबीर अच्छी कर। ए मेरे अल्लाह, सलामती से, खैर वाफियत से अपने बच्चों से दोबारा मिलना नसीब फरमा।